मैंगो का सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना एक नई डिश आप लोगों के लिए लेके आऊँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावना और चटकारे व्यंजन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी ये बहुत ही टेस्टी होती है खाने में और कुछ नया मिल जाता है बच्चों को और बड़ों को। और अभी समर भी चल रहा है तो इससे अच्छी और डिश या डेजर्ट कह सकते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो स्टफ मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो तरह के आम ले लिए हैं। अभी बहुत तरह की वैरायटी आ रही है मैंगोज़ की, तो मैंने यहाँ पर ये दो आम लिए हैं, पिस्ता लिया है और साथ ही बादाम मिल्क पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि इसमें इलायची, केसर और बादाम और दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। इसके साथ ही मैंने 1/2 लीटर मिल्क और 5 चम्मच शक्कर ले ली है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम दूध को उबाल लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में 1/2 लीटर जो दूध लिया था वो डाल देंगे और इसे हम उबलने के लिए रख देंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पर रखना है अभी, और जैसे ही इसमें उबाली आ जाएगी, देखिए फ्रेंड्स इसमें उबाली आ चुकी है, तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है। हमें इसको हाफ होने तक बॉईल करना है, तो यहाँ हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे हम उबलने देते हैं। जब तक हमारा दूध उबलता है तब तक हम यहाँ पर मैंने मैंगो ले लिया है और उसे ऊपर से इस तरह से हमें काट लेना है। और अब एक चाकू की सहायता से हमें इसे कट लगाने हैं ताकि इसकी गुठली है वो बीच में से निकल जाए। हमें इसे हार्डली प्रेस नहीं करना है, नहीं तो जो मैंगो है वो बाहर से भी कट सकता है। तो हमें इसे धीरे धीरे जेंटली निकालना है। और अब यहाँ पर मैंने एक चम्मच ले लिया है और उससे मैं धीरे धीरे जो गुठली है आम की उसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और बीच में जो मैंगो का जो रस निकल रहा है उसे हम एक कटोरी में इकट्ठा करते जाएंगे। फ्रेंड्स, इसे बहुत ही पेशेंस के साथ करना है और बहुत ही धीरे धीरे हमें इसे गुठली को निकालना है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे गुठली को निकालने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मैं ये चम्मच को राउंड राउंड घुमा रही हूँ ताकि हमारी मैंगो की जो गुठली है वो आसानी से निकल जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आम की गुठली निकल चुकी है और आप चाहे तो इसका पल्प भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर पल्प निकाल रही हूँ, और आपको अगर ऐसे ही पसंद है तो आप इसमें पल्प रहने दे सकते हैं। बाद में ये पल्प हम जो कुल्फी का मिक्सचर है उसमें ऐड करेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से दोनों जो आम लिए थे उनकी गुठली निकाल कर उसका पल्प भी निकाल लिया है। आप चाहे तो पहले पल्प डाल सकते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारा जो दूध है वो भी आधा बॉईल हो चुका है, तो हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। और अब इसमें मैं शक्कर डाल दूंगी। फ्रेंड, शक्कर आप आपके टेस्ट के अनुसार कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम पाउडर डाल दिया है और साथ ही हम पिस्ता डाल देंगे। मैं थोड़े से पिस्ता जब पूरी तरीके से दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा तब डालूंगी। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसके बाद भी हमें कम से कम 10 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है ताकि ये और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। बॉईल हो चुका है हमारा जो दूध। अब इसमें जो बचे हुए पिस्ता थे वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और अब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी ही चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी दूध हमें नहीं चाहिए। तो ये हमारा कुल्फ़ी का जो मिक्सर है वो रेडी हो चुका है और इसे अभी हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है।
तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और अब जो मैंगो पल्प हमने निकाला था उससे भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पल्प नहीं भी निकालेंगे तब भी चल जाएगा। मैंने यहाँ पर पल्प निकाल लिया था, जो गुठली में से भी जो पल्प निकला था उसे भी मैंने निकाल लिया था, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो ये कुल्फ़ी का मिक्सचर है इसे हम मैंगो में भर देंगे। फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके हमें ये मैंगो में डाल देना है। आप छोटा ही स्पून लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने मैंगो को पूरी तरीके से कुल्फी मिक्सर से भर दिया है, और जो इसका ऊपर का जो पार्ट हमने काट के अलग रखा था उससे हम इसे ढक देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और इस मैंगो को अब हम एक कप या कटोरी, आप कुछ भी ले सकते हैं, उस पर हमें इसे रख देना है ताकि ये जो मैंगो है ये अच्छे से सेट हो सके। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस मैं यहाँ पर दूसरा जो मैंगो लिया है उसके लिए भी कर रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, मैंगो का भी सीज़न है और गर्मियाँ भी है, तो बच्चों को आप ये डिश ज़रूर बना के दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी भी है और साथ ही बहुत ही हेल्दी भी है। और बच्चों को कुछ नए तरीके की रेसिपीज़ या नई तरीके की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो आप इस तरह से बना के देंगे तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगी। आप इस तरह की कुल्फ़ी आप किसी पार्टी वगैरह या किसी फंक्शन के लिए भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने दूसरा जो मैंगो था उसे भी अच्छे से भर लिया है, और इस पर भी मैंगो का जो पीस है उससे कवर करके एक कप के ऊपर रख दिया है। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 8 घंटे के लिए। उससे पहले मैंने इसे फॉइल पेपर से कवर कर दिया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंने इसे फॉइल पेपर से कवर करके रेफ्रिजरेटर में 8 घंटे के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड्स, 8 घंटे के बाद हमारी जो कुल्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। तो हम फॉइल पेपर निकाल देंगे, और देखिए काफ़ी हार्ड है तो हमें इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और उसके बाद हम इसे ये कप से बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो दोनों मैंगो हैं उन्हें कप से बाहर निकाल लिया है। फ्रेंड्स, जब आप कुल्फ़ी का मिक्सर इसमें डालते हैं तो ये कभी हिलता है रखने के टाइम पे, तो इस तरह से ये जो दूध है वो थोड़ा बाहर आ चुका है। तो मैं यहाँ पर एक टिश्यू पेपर से इसे साफ़ कर लूँगी, और अब इस मैंगो का हम छिलका निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, छिलका हमें ये जब तक हार्ड रहता है तभी निकालना है, क्योंकि जैसे ही ये थोड़ा सॉफ्ट होने लगेगा ये छिलका नहीं निकलेगा। तो जैसे ही हम फ्रिज से निकालते हैं हमें ये मैंगो का जो छिलका है उसे अच्छे से निकाल लेना है। आप ध्यान से निकालिएगा, ये काफ़ी ठंडा होता है। आप चाहे तो कोई भी कपड़ा या टिश्यू पेपर रख कर इसे इस तरह से पील कर सकते हैं। और जब पील कर रहे हैं तो तब थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पील कर लिया है। मैंने जो दूसरा वाला मैंगो था उसे भी पील करके रख लिया है, और अब इस मैंगो का जो ऊपरी हिस्सा है उसे भी हम निकाल देंगे। आप देख सकते हैं अंदर से जो स्टफिंग है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने दोनों मैंगो के ऊपरी हिस्सा निकाल दिया है। ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो सोचिए खाने में कितना टेस्टी होगा ये। और अब इसे हमें राउंड शेप में कट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके हमें थोड़े मोटे पीसेस में कट करना है। आप पतले पीसेस में कट करेंगे तो उतने अच्छे से ये कट नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़े मोटे पीस में इसे राउंड शेप में कट कर रही हूँ।
ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। और देखिए ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है हमारी कुल्फ़ी। और इसी तरीके से मैं जो दूसरा मैंगो है उसे भी राउंड शेप में कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और ढेर सारे चटकारे व्यंजनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।